ये वीडियो लेक्चर टोटल चार पार्ट में आएगा। चौथा पार्ट इसका एकदम एग्जाम के टाइम पर आएगा कि लास्ट मोमेंट पर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो वीडियो लेक्चर आपको तभी मिलेगा। इसके पहले आपने इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो लेक्चर देख रखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डीयू बीएड 2023 करके प्लेलिस्ट होगा जहां पर आपको सभी वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। दिल्ली बाइट्स इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर डीयू बीएड। तो ध्यान रखिएगा, डीयू बीएड 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 करके अलग अलग प्लेलिस्ट होगा। आपको केवल और केवल डीयू बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट पर फोकस करना है। इस प्लेलिस्ट में आपके सभी डाउट्स और क्वेरीज आपको ऑटोमेटिकली आंसर्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। और डीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में किस लेवल का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आप इस बात को समझ सकते हो। 2021 में मेरे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को 118,170 लोगों ने और 2022 में 144,000 लोगों ने इस लेक्चर को देखा है। अगर 50% कैंडिडेट भी इसमें से पेपर दे दें तो मात्र 438 सीट्स है। आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह का कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इसमें देखने के लिए है। डिवाइड ऑफ ऑल दिस, दिल्ली बाइट्स हैज गिवन 23 स्टूडेंट्स इन रेगुलर बीएड सेलेक्टेड इन द ईयर 2022, स्पेशल एजुकेशन में 16 स्टूडेंट्स हैं। 2021, 2020, 2019, 2018 वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ अचीवमेंट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम। इस वीडियो लेक्चर में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से ज्यादा मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि डीयू बीएड का प्रिपरेशन क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करें और क्या फ्यूचर जॉब पर्सपेक्टिव हो सकता है, और अगर आपको बीएड करना है तो आपको बीएड क्यों करना है, उसके पीछे का मानसिक नजरिया अगर आपका मजबूत नहीं रहेगा तो बिलीव मी एग्जाम को क्वालिफाई करना क्या, आप कट ऑफ के मार्क्स से दूर नहीं, बहुत दूर हो जाएंगे। और ये पिछले 2-3 साल का मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हुए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो डीयू बीएड में टोटल 438 सीट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड ना तो डिस्टेंस मोड में होता है, ना सो कॉल्ड जैसा कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट मोड से हो जाएगा क्या, नहीं, प्राइवेट मोड से भी नहीं होता है, ना डिस्टेंस से होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड केवल और केवल रेगुलर मोड में होता है, और केवल चार कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसको सीआईई भी कहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दूसरा लेडी इरविन कॉलेज, तीसरा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फिर चौथा श्यामा प्रसाद मुखर्जिया गर्ल्स कॉलेज है, और केवल 63 सीट्स हैं यहाँ पर। और लेडी इरविन कॉलेज जो है यहाँ पर 125 सीट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, और होम साइंस में जो लोग बीएससी होम साइंस किए हो प्लस लड़की हो जो बीएससी होम साइंस की हो तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो आप देखोगे कि -125 आप यहाँ कर दोगे तो केवल और केवल 313 सीट बचेगा। उन 313 सीट में भी 63 सीट्स तो केवल और केवल गर्ल्स के लिए रिजर्व है। एकदम जो सभी सीट्स ओपन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के 125 सीट, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 125 सीट्स, तो टोटल एक तरह से आप कह सकते हैं 250 सीट ऐसा है जो मेल फीमेल के लिए एकदम फुल टू ओपन है, क्योंकि बाकी के दोनों एलआईसी तो होम साइंस वालों के लिए हो गया और एसपीएम केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। तो केवल 250 सीट्स ही है जिसपे एकदम कंपटीशन होगा, कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं, कोई कुछ एफिलिएशन नहीं, केवल और केवल 250 सीट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉम्पिटिशन किस लेवल पर होगा और किस तरह का लोगों में एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर ओवर हेयर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड रेगुलर में होता है और प्राइवेट और डिस्टेंस मोड से नहीं होता है, और क्लासेस सुबह 9 AM से शाम 5 PM तक, शाम तक होती हैं, और ऑलमोस्ट 75-80% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। तो डीयू बीएड को लेकर आपके माइंड में ये आ रहा है कि यहाँ से बीएड करना है, तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना होगा। और देखिए, एक करियर काउंसलर के तहत मैं आपको पहले ही से बता दूं कि ये चीज आपका समझना जरूरी है। बहुत लोग इस बात को बहुत लापरवाही से लेते हैं कि अरे यार एक बार एडमिशन हो जाने दो फिर देखते हैं, मैनेज हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिलीव मी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेज नहीं कर पाओगे, और आप कोई भी शोर सिफारिश कुछ भी लगा लो, मतलब नहीं हो सकता। अगर नहीं मैनेज कर सकते हो तो नहीं हो सकता है, क्लासेस करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या है, बीएड करने के आपके अपने कई रीजन हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि नहीं, हमको बीएड की डिग्री क्यों चाहिए। तो बीएड की डिग्री आपको चाहिए तो आपके माइंड में कई बातें आ सकती हैं। तो एज अ करियर काउंसलर जो मैं आपकी समझ के हिसाब से समझूं, तो एक तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको होता है कि नहीं भाई, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, टीचिंग मेरा एक पैशन है। अगर उन लोगों को ऐसा है तो मैं आपको कहूंगा कि डीयू बीएड की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, कुछ लोग आते हैं, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब,
आई नीड बैकअप प्लान, मेरे को एक बैकअप चाहिए कि वहां नहीं हुआ तो हमको एक बैकअप मिल जाएगा। देखो भाई, अगर बैकअप बनाना है ना, ठीक है, समाज में जिस तरह करियर का देश में एजुकेशन को लेकर चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए ही आदमी रास्ता बनाएगा। तो अगर उस हिसाब से तुम्हें बैकअप प्लान बनाना है तो डीयू बीएड को बैकअप प्लान मत बनाओ, क्योंकि डीयू बीएड कभी तुम्हारा बैकअप हो ही नहीं सकता है। अगर इसको बैकअप प्लान बनाओगे तो बैकअप के लिए तैयार रहो, डीयू बीएड से तो बैकअप होगा ही, और साथ में जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो वहां भी नहीं होगा उसका भी बैकअप हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर डीयू बीएड नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो साफ सीधी सी बात है, फिर तो गवर्नमेंट जॉब तो निकालना फिर और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डीयू के बीएड का एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब कैसे निकालोगे, सीधा सा फंडा है। तो इसका मतलब ये कि वहां पर ऑलरेडी बैकअप हो जाएगा। और अगर इसको आप बैकअप के तौर पर बना रहे हो तो बैकअप के प्लान में ऐसा होता है कि भाई तुम्हें कॉलेज वॉलेज ना जाना पड़े, सिर्फ डिग्री मिल जाए, वही तो बैकअप प्लान होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा सुबह 9 AM से 5 PM तक तुम्हें क्लासेस करा दें और शाम को दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बहुत सारे असाइनमेंट और अलग अलग तरह के वेबिनार्स और दुनिया भर के एक्टिविटीज में तुमको जोड़े रखेंगे अपने साथ, तो फिर तैयारी तो नहीं कर पाओगे, और गवर्नमेंट जॉब में जिस तरह का कॉम्पिटिशन है फिर निकलेगा नहीं। तो डीयू बीएड को बैकअप के तहत तैयारी कर रहे हो तो भाई फिर तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, फिर एक करियर काउंसलर के पास जाओ। मेरी करियर काउंसलिंग की पेड फीस होती है, आप मेरे पास भी आ सकते हो या फिर किसी और करियर काउंसलर के पास जाओ। लेकिन बिलीव मी, हिंदुस्तान में क्या है ना कि छोटी मोटी बीमारी है तो लोग जो है क्या करते हैं, लोग कि घर के ही नुस्खे आजमाने लगते हैं, बाद में बीमारी बड़ी हो जाती है। आप कैंसर की भी इलाज ढूंढोगे ना तो नानी के नुस्खों वाले दवाइयों में जो है आपको कैंसर की भी इलाज मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर। तो ऐसे ही करियर को लेकर, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, डिसीजन टाइमली लीजिए। फिर तीसरा एक कंडीशन आता है, बहुत बच्चे होते हैं, सर माई पेरेंट्स फ्रेंड्स फैमिली मेंबर सजेस्टेड कि बीएड टीचर की नौकरी आराम की नौकरी है और पैसा भी मिलता है। देखो, ये बात बहुत ही एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, बहुत इसका दो मतलब निकल सकता है। ये बहुत ही बेफिजूल की बातें हैं, जो लोग सिर्फ बातें करते हैं ना वो आपको इस तरह की बातें करते हुए मिलेंगे। सवाल है क्यों मिलेंगे, वो आज के नहीं है, मतलब कहने के सेंस है आज मार्केट में जो जॉब का सिनेरियो है उसका वो एक्चुअल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वो अपने समय अपने समझ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, जो कि पूरा बदल गया है। आज जो मार्केट का सिनेरियो है, जो जॉब का सिनेरियो है, पूरा बदल गया है। अब इसको थोड़ा समय और समझिए, छेद या और ब्रॉड करके समझाता हूं। अब देखिए, कह रहा है टीचर की नौकरी आराम की नौकरी है, ठीक है, सही बात है, वो जमाने लद गए भाई, वो जमाने लद गए जब आराम की नौकरी अब तो हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट में भी वो आराम की नौकरी नहीं है, ठीक है, चीजें इतनी विजिलेंट हो चुकी हैं। अब टीचर का जॉब बहुत ही जिम्मेदारी वाला जॉब है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, बीएड वेड कर लिए, थोड़ा बहुत भी तैयारी वैयारी किए तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था, बहुत जगह तो मेरिट पर एडमिशन होता था। फिर जब टीईटी सीटीईटी का एग्जाम होने लगा तो लड़के उसको क्वालिफाई करके पाने लगे। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट जॉब एक डिप्रिसिएटिंग एंटिटी है, पहले 10,000 सीट आता था तो अब 5 ही हजार आता है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले 1 लाख थे तो अब 10 लाख हो चुके हैं। तो अगर तुम किसी भी प्राइवेट जॉब में टीचर की जॉब करने जा रहे हो तो आराम की तो नौकरी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आराम की नौकरी नहीं है तो या तो होता है कि भैया आपका शोषण कर लूं, आपको आराम नहीं मिल रहा तो कम से कम पैसा बहुत अच्छा मिले, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है जो हम एक्सेप्ट करेंगे। एक तो है कि आपको आराम नहीं मिल रहा और पैसा भी कम है, तब तो भैया दोहरा शोषण हो रहा है आपका। एक होता है कि अच्छे जगह सेलेक्ट हो गए, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, दिल्ली में डीपीएस जीडी गोइनकर तमाम बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हो, आराम नहीं है, लेकिन महीने की सैलरी तुमको 80,000 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो वहां पर आराम अपना हराम करना समझ में आता है। तो ये वाली मेंटेलिटी निकाल दो, ये एज जा चुका है, 5 साल 7 साल पहले जो है ये बातें लागू होती थी। और ये जो पुराने टीचर्स हैं ना, जो पुराने फैमिली के लोग हैं, वो आपको इस तरह का सजेशन देंगे। आज जो प्रेजेंट मार्केट में जो लोग टीचिंग जॉब में हैं उनसे जाकर आप पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है। और कोविड-19 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं, जॉब्स के सिनेरियो बहुत बुरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो इसको आपको समझना होगा, ना तो टीचर की नौकरी आराम की है और ना ही उसमें उस तरह से पैसा मिलेगा जिस तरह आप सोच रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो अगर 1,000 लोग बीएड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब ही 40-50 लोगों के लिए आ रही है, तो बाकी के 950 लोगों का तो नहीं हो रहा है। तो वहां पर एक ही केस बनता है कि काम ज्यादा कराओ तो पैसा ज्यादा दे दो। तो ये इन बातों पर विचार कर लीजिए, ठीक है, ये आपका करियर है। बच्चे आते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, सर डीयू बीएड में नहीं हुआ तो सर कहीं और से कर ले क्या? देखो, ये मैं कई बार कहता हूँ, ये रात में खाना खाने जैसा नहीं है कि ठीक है डोसा नहीं अच्छा लगा तो उत्तपम खा लें, उत्तपम नहीं अच्छा लगा तो इडली खा लें क्या? ये करियर का डिसीजन है, अगर सही से विचार करके अभी नहीं लोगे तो 2 साल 5 साल बाद ना, अभी तो कट जाएगा, घर से पैसे मिल रहे हैं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। फिर एक
पर्सपेक्टिव और था, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यूपीएससी और मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आई नीड अ बैकअप प्लान। भाई देख यार, अगर तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है और तुमको बैकअप प्लान चाहिए, तो पहले तो बीएड को किनारे करो, पहले तो अपने बारे में सोचो। तुम एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तुम सिविल सर्वेंट तब तक नहीं बन सकते हो ना जब तक तुम्हारे अंदर वो सिविल सर्वेंट वाली बात नहीं है। सिविल सर्वेंट की एक काबिलियत होती है, शीशे में जब चेहरा देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि अच्छा सिविल सर्वेंट वाली तुम्हारे अंदर बात आ रही है कि नहीं। कौन नहीं आईएएस प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री कौन नहीं बनना चाहता है, ठीक है, कौन नहीं बनना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कोई टीचर का पैशन रखता है तो वो जिंदगी भर टीचर नहीं, कल को प्रिंसिपल डायरेक्टर वाइस चांसलर सब कुछ बनना चाहेगा। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि क्या आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप में अंदर यूपीएससी वाला पोटेंशियल है कि नहीं। अगर तुम्हारे अंदर यूपीएससी वाला पोटेंशियल है तो बिलीव मी, फिर तुम्हारे लिए बीएड एक बैकअप प्लान नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर तो यही होगा कि या तो तुम यूपीएससी कर लो, क्योंकि फिर यूपीएससी नहीं निकलेगा तो फिर तुम्हें बीएड के ही तरफ आना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जब बीएड के ही तरफ आना है तो अच्छे जगह से बीएड करके बहुत कुछ सीख के टीचर के तरफ जाओ। तो डिसाइड कर लो कि यूपीएससी की तरफ आना है या बीएड की तरफ आना है। जब भी मैं बीएड बोल रहा हूँ तो बीएड से मेरा सीधा मतलब है डीयू बीएड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बैकअप प्लान बनाना है तो सैकड़ों ऐसे कॉलेज हैं जो 1 लाख रुपए फीस लेते हैं और आपको डिग्री दे देंगे उसको। तो बैकअप प्लान बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, सर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा यही कर लें, एटसेट्रा टाइप्स के इनके रीजंस होते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपके कोई करियर प्लान्स नहीं हैं तो नो बिग डील, कोई प्लान ना होना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को 30 30 साल 35 35 साल तक नहीं समझ में आता, लोग 40 साल की उम्र में भी कई बार कामयाब होते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि लेकिन टीचर बनने के लिए ना टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमने बहुत किताबें पढ़ ली तो हम किसी को भी पढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। टीचर ट्रेनिंग इज वेरी मस्ट। आप देखोगे अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो आप एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है आप बहुत कुछ अपने आप में अलग पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जब से इंडिया में राइट टू एजुकेशन 2010 में इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हो, प्राइवेट स्कूल में बहुत से नियम होते हैं, आप बच्चों को डांट नहीं सकते हो। तो आपको ये सब समझना होगा कि एक बच्चा बदतमीजी कर ले, आपको एक सुसाइड की धमकी दे दे, या कुछ ऐसा हो कि आपसे मिसबिहेव हो जाए, तो वहां पर कैसे अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए बच्चे को सिर्फ उतना ही बोलना है कि उसके अंदर डर भी कायम रहे और बात भी ना बिगड़े, और एज अ टीचर आपका क्लास में रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे। तो वो सारी चीजें आपके अंदर टीचर ट्रेनिंग से आती है। कई बार होता है कि टीचर्स को तो ट्रेनिंग दी जाती है कैसे बिहेव करना, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा ना हो, तो वहां पर कैसे काम कंपोजर रख के हमें बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी टीचर ट्रेनिंग हो रही थी, तो मेरी टीचर ट्रेनिंग हो रही थी जीडी गोयनका में, उसके पहले दिल्ली में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सरकारी कॉलेजेस में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, फर्स्ट ईयर में डीयू बीएड में और सेकंड ईयर में जीडी गोयनका में। तो फर्स्ट ईयर में जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैं ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपने कॉलेज जाते थे, तो मैं वापस जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में आया तो मैंने वहाँ टीचर को बोला कि अरे मैम, वो बच्चे जो है पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है, और नहीं होता, आदमी अक्सर कहते थे गधा टाइप का बच्चा है, लेकिन पता है यहाँ पर आप वो टर्म भी नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहते हो द चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को हम बहुत इजीली कह देंगे अरे वो कमजोर है, ये है फलाना ढिकाना, लेकिन ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो एक लैंग्वेज की भी बहुत एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको डीयू बीएड में सीखने के लिए मिलता है, इसलिए डीयू बीएड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए बीएड के रिलेटेड क्वेरीज भी मैं इंस्टाग्राम पर कभी कभी एंटरटेन करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और आपको डीयू बीएड के सभी न्यूज एंड अपडेट, जब भी फॉर्म वगैरह आता है, सब कुछ आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। फिर वही क्वेश्चन, व्हाई डीयू बीएड, डीयू बीएड वर्सेस अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब जब मैं डीयू बीएड बोल रहा हूँ तो इसमें मैं सिर्फ डीयू की बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका झूठा इतना बखान इतनी तारीफ नहीं करूंगा। डीयू बीएड से मेरा मतलब है कि आप आईपी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईपी यूनिवर्सिटी में लगभग 24 कॉलेज हैं, तो सभी 24 कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आईपी यूनिवर्सिटी में आप मान लो आप फॉर्म भरते हो तो आईपी यूनिवर्सिटी में एससीईआरटी बहुत अच्छा है, भावनार लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन वो बहुत अच्छा है, सूरजमल बहुत अच्छा है। तो जब मैं डीयू बीएड बोलूँ तो आप आईपी यूनिवर्सिटी के वो 3 4 कॉलेज भी ले लेना। जब मैं डीयू बीएड बोलूँ तो उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जैसे डायट होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग जो भी उनका नाम है, तो यूपी में क्या होता है, जो भी बीएड के गवर्नमेंट सीट्स है ना, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप
कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एफिलिएशन आप किसी कॉलेज में होते हो, या फिर आपका डायट में एडमिशन होता है, डीयू, आप यूपी बीएड का एग्जाम देते हो और वहां से आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उसकी अहमियत भी उतनी ही है, क्योंकि वहां पर भी ना ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। अब सवाल है, मैं ट्रेनिंग पर एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ? पता है, जब एक शिक्षा व्यवस्था का शोषण होता है और दोहन होता है ना, तो शुरुआत में बहुत मजा आता है। जैसे मान लीजिए समाज में कुछ व्यक्ति किसी महिला का साथ बदतमीजी करें, तो शुरुआत में उनको बहुत मजा आएगा, जब तक ये बात उनके खुद के घर तक ना पहुंच जाए वो बदतमीजी, तब तक। तो ऐसे ही शिक्षा के साथ है, पहले लोगों को बहुत मजा आया जब बीएड की शिक्षा प्रणाली गिर रही थी, तो लोग कहने लगे अरे तो आप तो डिग्री कॉलेज खुल गया जगह जगह और पैसा दो डिग्री ले लो, तो शुरुआत में बहुत मजा आया लोगों को। लेकिन अब क्या हो गया ना, अब तुम्हें एक ऐसा कॉलेज ढूंढना हो जो बीएड अच्छे से कराता हो, टीचर ट्रेनिंग सही से देता हो, क्योंकि किसी भी प्राइवेट जॉब में जब आप जाओगे तो प्राइवेट जॉब में स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड कि आपको आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो स्किल कब डेवलप होगा, आपके अंदर प्रतिभा का विकास कब होगा, जब आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी पर्सोनल है, तो उसको बंदूक की ट्रेनिंग पहले से रहती है, तभी उसका एफिशिएंसी अच्छा आता है, बाकी तो समय के साथ आपकी बहादुरी। तो यहां पर वही चीज हुआ, पहले टीचर एजुकेशन, पहले बीएड का दोहन हुआ तो लोगों को मजा आया, तो अब उस तरह के कॉलेजेस तलाशना जो आपको अच्छे से बीएड करा दें, वो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अच्छे कॉलेजेस जो हैं, वहां से अगर आप बीएड करके निकलते हैं, तो कल को आप जॉब के मार्केट में जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तुरंत हायर करेंगे और आपके अंदर टैलेंट है तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा ही। अब मैं आपको कुछ और एडवांटेजेस बताऊं डीयू बीएड का। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक करता है, तो बीटेक में क्या होता है, आप आईआईटी से बीटेक करते हैं तो सबसे टॉप पर होता है, उसी तरह फिर एनआईटीज हैं, फिर अलग अलग राज्यों के कॉलेज हैं, तो आप डीयू बीएड को कह सकते हैं कि ये बीटेक का आईआईटी है, वन ऑफ द टॉप फाइनेस्ट तरीके से आपको यहाँ पर बीएड कराया जाता है। आपको एक मैं उदाहरण दूं, दो तीन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से एग्जांपल दूं। जब मैं बीएड कर रहा था ना, तो वहां पर एक लड़का आया, वो आज तक कभी स्टेज पर नहीं गया था, कभी उसने स्टेज पर नहीं बोला था, क्लास में सिर्फ 5 बच्चे बैठे थे, पहली बार उसको बोला कि हम लिखते हैं बहुत अच्छा, हम जो है पोयम वोयम लिखते हैं, तो पहली बार वो क्लास में जब सिर्फ 5 बच्चों के आगे जब आके बोल रहा था स्टेज पर खड़ा होके, उसके पसीने छूट गए थे। लेकिन बिलीव नहीं करेंगे, जब फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा था ना, तो कॉलेज में कॉलेज का फाउंडेशन डे का फंक्शन हो रहा था, तो एंड ही वाज वन ऑफ द एंकर जो होस्ट कर रहा था, तो इन 5 बच्चों में मैं क्लास में उस दिन मैं बैठा था, तो मुझे बड़ा ही देखो देख के आश्चर्य हुआ मुझे कि अरे यार देखो, 1 साल के अंदर ये आज ही पोडियम पर खड़ा होके वहां से होस्ट कर रहा है कि कॉलेज का फाउंडेशन डे पर, कि लोगों को गाइड कर रहा है कैसे क्या करना है, पोडियम पर से खड़ा होकर माइक से बोल रहा है। तो ये भी एक टैलेंट है, ये एक स्किल है। अब सवाल होता है कि आपके माइंड में आएगा कि अरे यार सर, हम तो पहले भी बहुत से कॉलेज में गए हैं, हम तो पहले भी बहुत से संस्थाओं में गए हैं, लेकिन सर वहां मौका मिल नहीं पाता, एक बार संस्था में एडमिशन हो जाता तो वहां पहले ही से इतने लोग रहते हैं कि हमको मौका नहीं मिल पाता, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम डीयू बीएड या किसी अच्छे कॉलेज से बीएड करेंगे तो हमारे अंदर वो निखार आ जाएगा? बिलीव मी, आपके अंदर वो निखार आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि डीयू बीएड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है, आप देखे हो कि शुरुआत में केवल 200-250 सीटें हैं, तो एक पेडागोजी की क्लास में ना, किसी भी एक कॉलेज में आप जाओगे तो किसी एक सब्जेक्ट के पेडागोजी की क्लास में गिनती के 5 से 7 बच्चे ही होते हैं, और जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसकी सैलरी होगी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए, और सिर्फ 5 से 7 बच्चे को जब एक साथ वो क्लास में बैठता है ना, तो यहां पर तुम भाग नहीं सकते हो, छुप नहीं सकते हो, एकदम मतलब तुमको घर टाइप का बैठा के रखेंगे। तो जो इंटरेक्शन लेवल होता है ना टीचर से, बहुत हाई इंटरेक्शन लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे अंदर ना कल्चरल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उसमें मैं बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं निभा पाता हूँ। पोडियम से कुछ मुझे भाषण देना होगा दे दूंगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी नहीं निभा पाता हूँ। तो मेरे टीचर ने एक बार क्या किया था कि मेरे हाथ में जो है घुंघरू पहना के जो है कवाली हो रहा था कॉलेज में, तो पीछे बैठा दिया कि नहीं तुम पीछे ही बैठो लेकिन अपना तुमको हाथ बजाना है घुंघरू पहन के। तो पहली बार मैं घुंघरू को उठाया तो मुझे लगा अरे बाप रे बाप, ये क्या पकड़ा दिया। तो मैंने बाद में कहा मैम क्या जरूरत है मेरे से करवाने की, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है अभिलाष, जब आप कल को किसी स्कूल में जाओगे तो जब कोई बच्चा आपके पास आएगा, कहेगा एनुअल फंक्शन है, कल्चरल एक्टिविटी होगा, कल को आप किसी स्कूल के क्लासरूम के क्लास टीचर हो, तो आप बच्चे के काम को समझोगे कि ये सब भी स्कूल में काम होता है। और आप ऑफन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी स्कूल में जाते हो तो वहां पर आप देखो कि टीचर्स क्या करते हैं, अरे जाओ जाओ क्या तुम लोग दिन भर इधर फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, आपके उस वाले टैलेंट को रोकते हैं। तो मेरे टीचर ने एक बार मुझे वहां भेज के ये एहसास करा दिया कि स्कूल में वो सारी चीजें भी होती हैं। तो एज अ टीचर आपके अंदर
बहुत सारी फिनिशिंग होती है जो आती है, नहीं तो मार्केट में तो बहुत सारे टीचर्स पहले ही से घूम रहे हैं, लेकिन दो चार टीचर जरूर होते हैं जिनको आप जानते हैं यार कि वो वाला टीचर बहुत अच्छा था, उसका आप पीछे भी नाम जो है बहुत सम्मान से लेते हैं। तो किस तरह का टीचर बनना है ये आपके ऊपर है। और जैसा कि मैंने जॉब्स एंड प्लेसमेंट को लेकर बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लेकर तो स्पष्ट है कि आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ लोगों को नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है, ये बहुत बिटर ट्रूथ है, सुन के हमें बुरा लगता है। फिर हमारे आगे आता है कि इफ नॉट देन व्हाट, तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब के लिए आप जाते हैं तो वहां आपके लिए स्किल होना बहुत जरूरी है। आजकल सरकार कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करिए, कि कुछ आप नया टेक्नोलॉजी लेकर आओ जिसमें बच्चों को कुछ आप इनोवेटिव चीजें सिखा रहे हो, तो भाई ये सब इनोवेशन वाली बातें कभी कभी कहना आसान होता है लेकिन सबके लिए कर पाना इसको पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप एंटरप्रेन्योरशिप एडुकेशन में काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको एमएड ओमेड करना पड़ता है, आप रिसर्च लाइन में जाते हैं तब आप चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह पर ज्यादा रिसर्च करते हैं तब आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट अबाउट फर्दर एग्जाम्स, टीईटी, सीटीईटी। मैंने ऑफन देखा है बच्चे मेरे पास आते हैं नॉर्मल कहीं इधर उधर से जब वो बीएड किए रहते हैं, तो पता है उनके लिए एक संघर्ष उनके जीवन में और होता है कि सर टीईटी और सीटीईटी का एग्जाम पास करना है। पता है अगर आप अच्छे जगह से बीएड क्वालिफाई की हो ना, अच्छे जगह से आप बीएड कर रहे हो, खास करके मैं डीयू बीएड की बात करूं, और जब भी मैं डीयू बीएड बोल रहा हूं तो आईपी के टॉप कॉलेजेस, यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, हरियाणा के कुछ एक दो चार टॉप कॉलेजेस हैं, वहां के बिहार के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, तो वहां के जो बच्चे होते हैं ना वो एंट्रेंस एग्जाम में इतना मेहनत किए रहते हैं पहले से ही ना कि बिलीव मी टीईटी और सीटीईटी ये कोई इतना टुच्चा छाप एग्जाम है भाई, इसकी तैयारी कौन करेगा यार, मतलब बिलीव नहीं करोगे। देखो वो हर एग्जाम इजी होता है जहां पर मार्क्स पहले ही पता हो, कितना पाएंगे तो पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो सीटीईटी के एग्जाम में 150 में जितने लोग 90 नंबर पाएंगे सब पास हो जाएंगे, ठीक है, आप समझिए इस बात को। अब आप टीचर बनने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस होता है। जब आप एकेडमिक एग्जाम में होते हैं तो हमारी लक्ष्य यहाँ पर ये होता है कि हम 100% रिजल्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो टीचर्स का क्या लक्ष्य होता है कि सभी बच्चे पास हो जाएं और 100% रिजल्ट बने, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना होता है मेजोरिटी ऑफ द लोगों को फेल करने के लिए। उदाहरण के तौर पर 10 सरकारी नौकरी की टीचर की जॉब निकली है तो मान लो अगर इस पे 1,000 लोग भरते हैं तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है, 990 लोगों को फेल करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य ये होता है, एकेडमिक एग्जाम का लक्ष्य क्या होता है कि ऐसा पेपर बनाएं कि कम से कम बच्चा टॉप ना करे तो सभी बच्चे पास तो हो ही जाएं। तो सीटीईटी एक तरह का कह सकते हो कि एकेडमिक एग्जाम टाइप का है कि 150 में 90 नंबर जितने लोग पास होंगे, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का ये प्रोविजन लाया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2010 में इंप्लीमेंट किया गया था, उसके बाद ये सब टेट सीटेट का एग्जाम शुरू किया गया। तो वहां पर आप देखोगे कि जो अगर आप अच्छे जगह से बीएड करते हो तो टेट सीटेट ये आपके लिए कभी समस्या ही नहीं है। अगर आप फर्जी जगह जाके बीएड करते हो, बैकअप प्लान बनाते हो, ये बनाते हो, तो होगा क्या, कल को आप फिर आओगे, फिर आपको यहां भी संघर्ष करना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा यार टेट कैसे पास करें, सीटेट कैसे पास करें। तो जो संघर्ष है या तो एक ही बार खत्म कर लीजिए, नहीं तो फिर कल को टेट है सीटेट है, और फिर इसके बाद भी संघर्ष है। अगर आप नॉर्मल जगह से टेट सीटेट सिर्फ करके निकल रहे हो तो आपको जब अच्छे जगह टीचर की जॉब करनी है, मान लो केंद्रीय विद्यालय में करनी है, नवोदय विद्यालय में करनी है, DSSSB में जॉब चाहते हो, तो फिर इनका एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इनके एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने का पहला क्राइटेरिया ये होगा कि बीएड और सीटेट तो होना ही चाहिए, उसके बाद केवीएस का आप रिटर्न एग्जाम निकालोगे, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। हम कह रहे हैं ऐसे जगह से तुमने बीएड कर रखा है जहां से तुमने कभी चार लोगों को जीवन में फेस नहीं कर रखा है तो केवीएस का इंटरव्यू का पैनल कैसे फेस करोगे। तो जॉब को लेकर ना ये सब चीजें थोड़ा समझना होगा। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, केवीएस नवोदय विद्यालय वगैरह में क्या होता है, मेरे कई ऐसे सीनियर्स हैं जो केवीएस में, जैसे मान लीजिए बैंगलोर उंगलोर में उनको पोस्टिंग मिल गई ना, तो पता है क्या होता है कि वहां के केंद्रीय विद्यालय उद्यालय में बहुत से अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स के बेटे पढ़ते हैं, तो पता चलेगा वो आ जाएंगे आपके सामने कि हाउ इज माई सन डूइंग। इसलिए आपके पर्सनल और प्रोफेशनल करियर में डीयू से बीएड करने का एक अलग ही लेवल का एडवांटेज है। इसलिए अगर आप एकदम अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर एकदम सीरियस हैं, आपको है कि नहीं मेरे को जॉब में जाना, एक तो होता है कि नहीं भैया सिर्फ डिग्री चाहिए, एक होता है कि टीचर बनना है जॉब पाना है, टीचर बनना है जॉब पाना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वाले से नहीं मिलेगा सिर्फ डिग्री वाले से, लेकिन इस वाले से इजीली और ज्यादा बेहतर और तरीके का ढंग का चीज मिलेगा। तो इसलिए डीयू से बीएड करने का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इस बात को आप समझते हुए इसका प्रिपरेशन करिए सो दैट आपको पता हो कि आप कर क्यों रहे हो। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है कि एनी ऑनलाइन टेस्ट और कोचिंग क्लासेस फॉर डीयू बीएड। देखिए क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गिनती के 250 सीट होंगे जो ओपन है,
और हार्डली हार्डली 250 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराने के लिए मान के चलो कि 25 से 30 हजार बच्चे पेपर देते हैं इसका। तो 25 से 30 हजार बच्चे देते हैं, तो सारे बच्चे ही एक टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं आ जाएंगे किसी कोचिंग संस्था में पढ़ने के लिए। तो कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह इस तरह का होता नहीं है। लास्ट ईयर कई बच्चों से मैं कैंडिडेट से मुलाकात किया था जो दिल्ली बाइट्स पर पेड मेंबर थे, वो बाद में मेरे से वहीं नॉर्थ कैंपस में सीआई पर मेरे से मिलने आए, तो उन्होंने कहने लगे कि सर कई कोचिंग वाले उन लोगों को ज्वाइन करा दिए थे। तो वो क्या करते हैं ना, एसएससी यूएससी के बैच में ले जाके तुम्हें बैठा देंगे और कहेंगे अरे यही पेपर वही पेपर वही पेपर आएगा। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ मेरा वेबिनार मीट है, उसमें आप जाके देखना, हर डोमेन का स्टूडेंट होगा। कुछ बच्चे एसएससी के फाइनल स्टेज में हैं, कुछ यूपीएससी का प्री निकाले हुए हैं, कुछ नॉर्मल है, कोई एग्जाम नहीं निकाले हैं, ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं, तो उन लोगों ने भी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है। तो आप उनको देख कर ये समझ सकते हो कि हर एग्जाम का अपना एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। द सेम गोज फॉर डीयू, तो डीयू के लिए भी अपना एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो पहले कोई इस तरह ऑनलाइन टेस्ट और कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था नहीं थी, बट अब उस फैसिलिटी से डीयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत दूर नहीं है। आई थिंक आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम 3 to 4 years, और जब मैं जीडी गोयनका में पढ़ा रहा था, देन आई हैड अ विजन कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टीचर को डेडिकेटेड हो। एक तरह से दिल्ली बाइट्स की ये वेबसाइट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया है जो डेडिकेटेड टू टीचर्स एंड ओनली टीचर्स के लिए है। तो इस पे जो बीएड का कोर्स है, अब आप मॉक वॉक देख के एनरोल कर सकते हैं। अभी वेबसाइट पर कुछ इशू चल रहा है, सर्वर पर बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी तुरंत में लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा है और डेटा फीडिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ दिन बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। इन मीन टाइम यू आर सजेस्टेड कि अगर किसी को मॉक टेस्ट और कोर्सेज वगैरह लेना है तो आप मैनुअली व्हाट्सएप पर जो नंबर दिया हुआ है एंड में, उस पर कॉन्टेक्ट करके मेरी हैंडलर से आप ले सकते हैं। बाकी का एलिजिबिलिटी को लेकर किसी को कोई डाउट है तो dellybytes.in वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ ब्लॉग सेक्शन में आप आओगे, तो यहाँ पर ये जो डीयू बीएड का एक वो दे रखा है ब्लॉग, इसको जाकर आप पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो अगर किसी को भी कोई एलिजिबिलिटी को लेकर अभी भी कोई डाउट हो तो। बाकी अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि एक राइट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के क्या मायने होते हैं और क्यों आपको हर प्रकार की कोशिश करना चाहिए कि आपका डीयू बीएड में सिलेक्शन जरूर से हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मार्ग एक अच्छा रास्ता प्रशस्त करता है आपके फ्यूचर करियर के लिए। तो आप दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं डीयू बीएड के प्रिपरेशन के लिए। और अब तक आपको इन्फॉर्मेशन हो गया होगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, डीयू बीएड 2023 वाला प्लेलिस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यूट्यूब पर, जहां पर एकदम सॉलिड कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन डीयू बीएड के रिगार्डिंग मिलेगा। एंड दिल्ली बाइट्स के सभी फैकल्टीज जो प्रिपरेशन बैच में पढ़ाते हैं सबके सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखे हैं अपने अपने टाइम में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हर चीज इस प्लेलिस्ट में कवर देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर आप जब देखोगे तो अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले लेक्चर होंगे। यहाँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वन में मैंने केवल आपको ये बताया है कि क्यों डीयू बीएड इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ठीक से प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टू में मैंने सिलेबस पर डिस्कस किया। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थ्री में मैंने बताया है कि मेंबरशिप क्या है, प्रिपरेशन बैच के डिटेल्स क्या है, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, कैसे आपको मेंबरशिप का बेनिफिट होता है, किस तरह से आप रेगुलर क्लासेस में मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं खुद हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट अवेलेबल होगा डीयू बीएड का, उसी डीयू बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में यह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरे के गलतियों से आप सीख सकते हैं। इसके बाद जो फॉलो अप लेक्चर आपको देखना है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टू वाला है, जहां पर सिलेबस एक एक लाइन बाय लाइन किस तरह से 2023 में आपको डीयू बीएड का अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखना चाहिए। उसी प्लेलिस्ट में मीटिंग विद क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स करके एक प्लेलिस्ट में ये लेक्चर होगा, जहां स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दे रखा, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी ये कोड डीयू बीएड 2999 लिख करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप को ले सकते हैं, जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल दिया जाता है आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। और जैसा कि पता है कि डीयू बीएड का एग्जाम इस बार सीयूईटी करवाएगा, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वर्कशीट बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर अपडेट आएगा। इन मीन टाइम आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, 24 to 48 hours का वेट करना होता है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करती है, पेमेंट करने के बाद आपको 24 to 48 hours देना होता है पेमेंट सेटलमेंट के लिए, बिना पैनिक किए हुए आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ होता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम के हैंडल का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन इट फॉर रेगुलर न्यूज अपडेट्स डाउट एंड क्वेरीज। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।